दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब कभी भी मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है और इस दावे ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। आखिर क्या है पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट। अब मनीष सिसोदिया होंगे गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा। केजरीवाल ने की गिरफ्तार करने की अपील। आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। केजरीवाल का दावा उड़ा देगा होश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब कभी भी मनीष सिसोदिया को भी झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक करके गिरफ्तार ना करें, इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होता है। इससे अच्छा दिल्ली के सभी मंत्रियों को और विधायकों को एक साथ गिरफ्तार करके जांच करवा ली जाए। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इसे जनता के कामों में बाधा होती है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और यही वजह है कि केजरीवाल ने नया दावा करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। केजरीवाल के आरोप के बाद बीजेपी भी हमला कर रखी है और खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है और कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटा रहे। के सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में। केजरीवाल जी, क्या ये सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि केजरीवाल की गिरफ्तारियों को लेकर जमकर केंद्र पर हमला कर रही हैं और केजरीवाल के इस बार का क्या असर होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।